तो बॉय विद अ ड्रैगन सोल के एपिसोड 12 में हमने देखा था बायमो 7th एल्डर के 3 डिसाइपल्स को बुरी तरह धो देता है, जिसके बाद एल्डर शी भी 7 डिसाइपल को एक घूसा मारकर दूर फेंक देते हैं। फिर एल्डर शी बायमो और वैंग फेंग को बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम रिलम में पहुंचने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं और फिर वो बायमो और वैंग फेंग को क्लीन सुप्रीम के बारे में बताते हैं। फिर एल्डर शी थंडर डिजास्टर को क्रिएट करते हुए एक सीक्रेट वेपन को लेकर आते हैं और उस स्वॉर्ड को बायमो को दे देते हैं। ये देखकर वैंग फेंग निराश हो जाता है और एल्डर शी से बोलता है, मास्टर आपने ये वेपन भी बायमो को दे दिया। अब एपिसोड 13 हम देखते हैं वैंग फेंग बायमो को एक सेक्रेट स्वॉर्ड मिलने के कारण बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और बायमो से बहुत ज्यादा जेलस भी हो जाता है, जिसके कारण बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। और तभी बायमो वैंग फेंग से बोलता है, जूनियर ब्रदर तुम ज्यादा अपसेट मत हो, मैं एक घंटे के लिए ज्यानु स्वॉर्ड तुम्हें दे सकता हूँ। वही वैंग फेंग गुस्सा होते हुए उसे मना कर देता है और उसके जेलसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। वही बायमो ये देख कर मन ही मन खुश होते हुए बोलता है, मेरे स्टूपिड जूनियर ब्रदर तुम कितने क्यूट। और फिर एल्डर शी बायमो और वैंग फेंग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं एल्डर शी बायमो और वैंग फेंग को एक मेडिसिन बनने के प्लेस में लेकर आते हैं, जहां बड़े बड़े दो पोर्ट में मेडिसिन प्रिपेयर हो रहे थे। बायमो एल्डर शी से पूछता है, मास्टर ये क्या है? ये लिक्विड मेडिसिन है, मैंने ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, इसके अंदर जाओ। और बायमो बोलता है, क्या लिक्विड मेडिसिन? और एल्डर शी बोलते हैं, ये सालों भर मेरे द्वारा एक्युमुलेट किया दो ट्राइपॉड वेल्थ है, साथ ही ये एक्सट्रीमली प्रीसियस 108 तरह के स्पिरिचुअल हर्ब से बना हुआ है और इसमें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को एनहांस करने का इफेक्ट है। वही वैंग फेंग खुश होते हुए बोलता है, क्या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव कर सकता है? ये तो सच में एक लेजेंडरी स्पिरिट लिक्विड है। और एल्डर शी बोलते हैं, हाँ ये एक स्पिरिट लिक्विड है। और एल्डर शी वैंग फेंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, वैंग फेंग तुम सच में एक ग्रेट एम्परर फैमिली के मेंबर होने के लायक हो, जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है। और तभी एल्डर शी उन दोनों पोर्ट को दिखाते हुए बोलते हैं, स्पिरिचुअल लिक्विड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कल्टीवेशन बेस और फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव कर सकता है और ये सबसे इजीएस्ट है इम्प्रूव करने के लिए, और सबसे डिफिकल्ट है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करना, और अगर ये हो गया तो फ्यूचर में इससे ग्रेट बेनिफिट मिलता है। और तभी वैंग फेंग खुश होते हुए मन ही मन बोलता है, क्या हो गया? अगर मुझे सेक्रेट वेपन नहीं मिला, इस स्पिरिट लिक्विड में नहाना एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये तो सच में एक ग्रेट बेनिफिट है, मैंने सच में एक गलत मास्टर को वर्शिप नहीं किया है। और फिर एल्डर शी उन दोनों को अंदर जाने के लिए कहते हैं। वही वैंग फेंग एक्साइटेड होकर दौड़ते हुए पोर्ट की तरफ जाने लगता है और एल्डर शी उसे रोकते हुए बोलते हैं, वैंग फेंग तुम्हारा दूसरा पोर्ट है। और तभी वैंग फेंग एल्डर शी से पूछता है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? और एल्डर शी बताते हैं, ऑफ कोर्स इसमें डिफरेंस है, तुम्हारा डिवाइन स्पिरिट लिक्विड 1000 साल पहले का है, वही तुम्हारे सीनियर ब्रदर का 10,000 ईयर पहले का है। ये सुनकर वैंग फेंग जेलस हो जाता है और उसके जेलसी से बायमो का एक एनवी पॉइंट प्लस हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां बायमो और वैंग फेंग स्पिरिचुअल लिक्विड पोर्ट पर मेडिटेशन कर रहे होते हैं। वही एल्डर शी आते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों कैसा फील कर रहे हो? और वैंग फेंग बताता है, मेरा माइंड क्लियर हो गया है और मैं ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ, साथ ही मैं क्लियरली सुन भी सकता हूँ। और एल्डर शी बोलते हैं, हाँ ये बताता है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ग्रो हो रहा है। उस समय एक सुप्रीम पर्सन था जो कि एंशिएंट टाइम्स में कुछ वर्ड से ही सुप्रीम पोजीशन अचीव कर लिया था। फिर वो बताते हैं कि लास्ट स्टेप में स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का स्ट्रेंथ सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर वो बायमो के पास जाते हैं और उसके बारे में उससे पूछते हैं और बायमो बताता है कि मुझे अभी भी सेम ही फील हो रहा है। और फिर वो मन ही मन बोलता है कि मुझे अपने अंदर कुछ भी चेंज फील नहीं हो रहा है, मेरे और वैंग फेंग के एप्टीट्यूड के बीच यही सबसे बड़ा गैप है। और फिर बायमो एल्डर सी से बोलता है कि मास्टर क्या कोई वे है जिससे हम स्प्रिट लिक्विड के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर सके? और तभी वैंग फेंग उसका मजाक बनाते हुए बोलता है, बायमो क्या ऐसा है कि तुम्हारे स्प्रिट लिक्विड का एब्जॉर्प्शन इतना पुअर है जिसके कारण तुम एक एक्सटर्नल फोर्स यूज करना चाहते हो? और तभी बायमो बोलता है, तुम ज्यादा मत बोलो, मैं बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और तभी मास्टर बताते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज है जिससे हम डिफाइन फियोनिक्स एक स्क्रिप्चर को सीख सकते हैं और इससे डिवाइन लिक्विड के एब्जॉर्प्शन भी इनहेंस हो जाएगा। और तभी वैंग फेंग बोलता है, मैंने इसके बारे में सुना है, ये एक्सरसाइज गॉड के एंसेंट डायनेस्टी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड में आता है और एंसेंट डायनेस्टी के गॉड एम्परर ने ही इसे पब्लिक में ओपन भी किया था, लेकिन इस एक्सरसाइज के कुछ प्रैक्टिस के बाद
इसका रीज़न है कि इसे कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और फिर एल्डर शी बोलते हैं, हाँ, डिवाइन फ्योनस स्क्रप्चर एक बहुत ही स्पेशल एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज परफेक्शन तक रिफाइंड नहीं किया गया तो पहले किए गए सारे एक्सरसाइज के प्रैक्टिस यूजलेस हो जाएंगे। सिर्फ इसका परफेक्ट कंप्रहेंशन ही इसके डिवाइन कॉन्शियसनेस को इन्हेंस कर सकता है। इसीलिए एंसेंट डायनेस्टी के एम्परर इसे पब्लिक में डिस्क्लोज करेंगे। ये लोगों के विल को पढ़ता है ताकि ये वर्ल्ड के एरोगेंस से पावर गैदर कर सके और वही लोग डिवाइन फ्योनक्स स्क्रप्चर को कंप्रहेंड कर सकते हैं। और तभी बैमा बोलता है, मास्टर, मुझे लगता है कि डिवाइन फ्योनक्स स्क्रप्चर मेरे लिए सुटेबल है। और तभी एल्डर शी बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो? ये एक्सरसाइज मेरे लिए भी कंप्रहेंड कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था जब मैं यंग था। और वो अपने पास्ट को याद करते हुए बताते हैं कि ये चाओस के होलीलैंड के चाओस स्क्रप्चर से भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा ही पेनफुल हो सकता है। और बैमा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। और फिर एल्डर शी बोलते हैं, तो ठीक है, मैं डिवाइन फोनस स्क्रप्चर को तुम दोनों में को पास करूंगा। और तभी वैंगफेंग एल्डर शी को मना कर देता है और बोलता है, मास्टर, आपको मुझे ये सिखाने की जरूरत नहीं है। इस स्किल को प्रैक्टिस करना तो यूजलेस है, जो कोई काम का ही नहीं है। ये मेरे लिए बकवास है, बस इसे सीनियर ब्रदर को ही टीच करे। और फिर एल्डर शी एक मैजिकल बुक बाहर निकालते हैं जिससे बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आ रही होती है। और एल्डर शी बोलते हैं कि इसे कंप्रहेंड कर पाना तुम्हारे गुड फॉर्च्यून में डिपेंड करता है। और तभी वैंगफेंग बोलता है, ये बस टाइम वेस्ट है। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बायमो डिवाइन फोनस स्क्रप्चर को प्रैक्टिस कर ही रहा होता है और वो अपने इफेनी सिस्टम से इफेनी अपॉर्चुनिटी यूज करते रहता है। और इफेनी यूज करने से बायमो को बहुत ज्यादा पेन भी होता है और वो बोलता है, मैंने इतने दिनों में अपने इफेनी अपॉर्चुनिटी को 6 बार यूज़ किया है और इसे हर बार यूज़ करने के बाद मुझे एक बड़ा हेडेक आता है। ये डिवाइन फोनक्स सच में ह्यूमन बींग से कल्टिवेट नहीं हो सकता है, ये बहुत ही पेनफुल है, ये कंसियसनेस को क्रस्ट करके रख देता है। वही वैंगफेंग उसे देखकर बोलता है, तुम ही चाहते थे ना इसे करना। वही एक और दिन है जहाँ मेरा स्पिरिट लिक्विड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा, वही मेरा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुका है। वही बैमो दर्द से बोलता है, डिवाइन फनेस स्क्रप्चर सच में बहुत डिफिकल्ट है, हालांकि मैं तो एक कावर्ड हूँ। और वो दर्द से बोलता है, ये सच में बहुत डिफिकल्ट है जिसके कारण अभी तक किसी ने भी इसे कम्प्लीट नहीं किया। फिर वो अपने इफेनी सिस्टम से एक इफेनी यूज करने को कहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।